नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 1 दिसंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु और चंद्रमा वृष राशि, शुक्र तुला राशि, सूर्य बुध केतु वृश्चिक राशि, गुरु और शनि मकर राशि, मंगल मीन राशि। ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी मध्यम स्थिति बनी हुई है। सबको ध्यान देकर के चलने की जरूरत है, अपना ध्यान रखें, सब अच्छा होगा। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, आर्थिक नुकसान की स्थिति बन रही है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा लेवल आपका, ऊर्जा का स्तर आपका कम रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। प्रेम की स्थिति में तूतु मैमे की स्थिति बन सकती है, इस बात पर ध्यान दीजिए। संतान पक्ष सही स्थिति में नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिए। बाकी व्यवसायिक स्थिति आपकी ठीक चलती रहेगी, सूर्य को जल देते रहें। वृषभ राशि, एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर चल रहा है, मन मस्तिष्क थोड़ा सा परेशानी में रहेगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य करीब करीब ठीक है, प्रेम की स्थिति मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, शिव जी का जलाभिषेक करिए। मिथुन राशि, नेत्र विकार संभव है, बाहरी लोगों से भय दिख रहा है, खर्चे से थोड़ा परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य करीब करीब ठीक है, प्रेम की स्थिति नहीं सही है, व्यवसायिक स्थिति आपकी ठीक ठाक चल रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पीली वस्तु का दान करिए, भगवान विष्णु के शरण में बने रहें, उन्हें प्रणाम करते रहें। कर्क राशि, स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, मन थोड़ा परेशान रहेगा, रुपए पैसे का आवक बना रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आने वाला जरिया सही हो, अदरवाइज आप आके परेशानी में आ सकते हैं। व्यवसाय और प्रेम करीब करीब ठीक चल रहा है, शिव जी का जलाभिषेक करें और काली वस्तुओं का दान करें। सिंह राशि, शासन सत्ता पक्ष से कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे, यद्यपि नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन परेशानी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य पे और अपने स्वास्थ्य, मतलब अपने सीने में विकार संभव है और पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का ध्यान दीजिए। प्रेम की स्थिति करीब करीब ठीक दिख रही है, काली वस्तु का ध्यान करें। कन्या राशि, भाग्य पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, सम्मान पे अभी आंच ना आने पावे, इस बात का ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम करीब करीब ठीक है, व्यवसायिक स्थिति भी आपकी ठीक चल रही है। राहु मंत्र का जाप करते रहें और सफेद वस्तु का दान करें। तुला राशि, परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही हैं, थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य करीब करीब ठीक है, प्रेम की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये मध्यम समय है। मन उहापोह में रहेगा, ये ठीक है या ये ठीक है, इस बात पर थोड़ा सा क्लियरिटी ले आए आप, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले लोगों को उदर से संबंधित, नाभि से नीचे थोड़ी परेशानी दिख रही है, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिख रहा है, रोजी रोजगार में कुछ संकट की स्थिति है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, कोई नया प्रयास अभी मत करिए, अभी एक दो दिन रुक जाइए। स्वास्थ्य करीब करीब ठीक है, प्रेम मध्यम है, व्यापार भी मध्यम दिख रहा है, काली वस्तुओं का दान करें। धनुराशि, थोड़ी डिस्टर्बेंस फील करेंगे, हालांकि कोई नुकसान नहीं है, आपका रुका हुआ कार्य चलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ठीक समय चल रहा है, काली वस्तु का दान करें। मकर राशि, मानसिक परेशानी के से आप जूझेंगे, प्रेम में तूतू मैमे के संकेत है, कोई नकारात्मक व्यक्ति या कोई गलत व्यक्ति जीवन में ना आने पावे, इस बात का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ठीक है, व्यापार मध्यम है और प्रेम की स्थिति झगड़े वाली दिख रही है, बच के पार करें। काली जी को प्रणाम करते रहें, उनकी पूजा अर्चना कर चले। कुंभ राशि, कुंभ राशि घरेलू चीजों में थोड़ा सा तूतू मैमे के संकेत होती रहेगी, होगी ऐसा दिख रहा है, मां के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। सीने में प्रॉब्लम या हृदय रोगी जो हैं, उनको थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मध्यम,
प्रेम मध्यम व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। काली जी के शरण में बने रहे, उन्हें प्रणाम करते रहे। मीन राशि, गलत लोगों के साथ मिलकर कोई कार्य ना करें, पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिए, भाई और मित्रों के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार करीब करीब ठीक चल रहा है। काली वस्तु का दान करें, लाल वस्तु पास रखें।